योग गुरु रामदेव का पतंजलि एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि के दिव्य दंत मंजन को शाकाहारी ब्रांड के रूप में पेश करने के खिलाफ कार्रवाई की जाने के अनुरोध संबंधी याचिका पर बीते दिनों केंद्र से जवाब मांग लिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि दंत चिकित्सा प्रोडक्ट को हरे रंग के डॉट के साथ बेचा जा रहा है, जो कि दिखाता है कि ये एक शाकाहारी चीज है, लेकिन इस दंत प्रोडक्ट में मछली का अर्क है जो एक मांसाहारी है। जस्टिस संजीव नरोला ने वकील यतिन शर्मा की याचिका पर केंद्र, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के साथ साथ पतंजलि, दिव्य फार्मेसी, योग गुरु रामदेव और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि कानून में किसी दवा को शाकाहारी या मांसाहारी घोषित करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन दिव्य दंत मंजन की पैकेजिंग पर गलत तरीके से हरा डॉट अंकित किया है, जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत गलत ब्रांडिंग के रूप में आता है। मामले की अब अगली सुनवाई नवंबर में होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रोडक्ट में समुद्री फेन यानी सीपिया ऑफिसिनेलिस है, जो कि मछली के अर्क से हासिल होता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ये बात उनके और उनके परिवार के लिए बेहद दुखद है, जो धार्मिक विश्वास और आस्था के कारण केवल शाकाहारी चीजें और प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि रामदेव को पिछले कुछ समय से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पतंजलि प्रोडक्ट्स के विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस साल की शुरुआत में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगा चुका है, जिसके बाद रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होकर माफी तक मांगनी पड़ गई। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को उसके द्वारा निर्मित दवाओं से संबंधित कोई भी विज्ञापन प्रकाशित न करने के लिए निर्देश देते हुए टिप्पणी की थी और कहा था कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों के जरिए पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। कई महीनों तक चली सुनवाई और फटकार के बाद योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अवमानना की कार्यवाही को बंद कर दिया, लेकिन अब ये नया मामला सामने आ गया है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।